अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वीडियो वासीम रिजवी साहब के लिए है। वासीम रिजवी साहब अपनाया हिंदू धर्म और वर्तमान नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी, और उन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लाम आतंकी का धर्म है, इस्लाम आतंकी सिखाता है, इस्लाम आतंकी को जन्म देता है। जो 1400 साल पहले नबी मोहम्मद साहब ने आतंकी को फैलाया था, उन्होंने ये बात कही है। इंडिया न्यूज़ में ये उनका डिबेट चल रहा था, और मैं एक व्यक्ति जो इंडिया न्यूज़ के एंकर अमित देवगन को मैं बहुत सारे थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि किसी का धर्म, अमित देवगन ने कहा किसी का धर्म बुराई नहीं सिखाता है। आपने सही कहा कि किसी का धर्म बुराई नहीं सिखाता है। और जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि आप जिसको इस्लाम धर्म मानते हो, मैंने उसको कभी माना ही नहीं, और कहा इस्लाम एक आतंकी धर्म है जो 1400 साल पहले नबी हजरत मोहम्मद साहब ने आतंकी फैलाया था। मैं वासीम रिजवी साहब यानी जितेंद्र नारायण त्यागी साहब को, उससे मेरा कुछ सवाल है। आपने एक बात कही कि आप जिसको इस्लाम धर्म मानते हो, मैंने उसको इस्लाम धर्म माना ही नहीं, तो आप बताइए कि जब आप इस्लाम के अंदर दाखिला नहीं हुए, इस्लाम के अंदर आप एंट्री नहीं किए हैं, जिसको आपने माना ही नहीं कभी, तो इस्लाम के बारे में आपको क्या मालूम होगा? क्या इस्लाम के बारे में आपका क्या नॉलेज होगा, आप बताइए। आप पढ़ोगे हिंदी और हम आपको बंगाली में सवाल करें, तो क्या आप सही तरीके से जवाब दे पाओगे? जिंदगी में कभी नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, जब आप इन्हें इस्लाम को माना ही नहीं है, जब आपने इस्लाम को देखा ही नहीं है, तो आपने कैसे कह दिया कि इस्लाम आतंकी सिखाता है? आपने कैसे कह दिया कि नबी मोहम्मद साहब 1400 साल पहले आतंकी फैला था, जब आपने इस्लाम में एंट्री ही नहीं किए, जब आपने इस्लाम को माना ही नहीं है? मैं यहाँ हिंदू और मुसलमान का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे नज़दीक में हम लोग एक साथ उठते बैठते हैं, हम लोग भाईचारा बांध कर रहते हैं। लेकिन आप लोगों के वजह से जो इस्लाम में दाखिल नहीं होते हैं और बड़ा बड़ा फतवा देते हैं, लेक्चर देते हैं कि इस्लाम आतंकी है, तो चलो मैं तुमको दो हदीस सुनाऊंगा कि मोहम्मद साहब का अखलाक क्या था। जो तुमने कहा कि मोहम्मद साहब 1400 साल पहले आतंकी फैला था, तो क्या वो आतंकी सही में है? तो चले मैं आपको एक मोहम्मद साहब का एक हिस्ट्री सुनाता हूँ। एक इस्लामी तालीम में एक कहानी लिखी गई है मोहम्मद साहब का। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सफ़र में थे, और चलते चलते हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए,
यानी चलते चलते सफ़र ज़्यादा करने की वजह से थक गए। तो कहा कि एक पेड़ के छाये में चलो बैठते हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ के साये में बैठा और जैसे ही बैठा थकन के वजह से हमारे नबी को नींद आ गई। और जैसे ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नींद आई तभी एक काफिर चुपचाप आया और नंगी हाथ तलवार लेके सामने खड़ा हुआ और कहा, ये मोहम्मद तुमको कौन बचाएगा। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब आंख खुला तो देखा कि एक काफिर चुपचाप नंगे हाथ तलवार लेके खड़ा है और कहा कि ये मोहम्मद तुम्हारा जान अब कौन बचाएगा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा जान बचाने वाला यानी मारने वाला अल्लाह है, यानी हमको अल्लाह ताला बचाएगा। तो जैसे ही अल्लाह ताला का बात सुनी उनके मुंह से तभी उसने थर 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 कांपने लगा। वो काफिर जो नंगी तलवार लेके खड़ा था वो थर 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 कांपने लगा और कांपते कांपते हाथ से तलवार गिर गया। और जैसे ही गिरा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तलवार को उठाया और कहा, अब तुम बताओ तुमको कौन बचाएगा। तो उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ कांपते रहा। फिर पूछा कि तुम नंगे हाथ तलवार लेके खड़ा थे, तुम्हारे हाथ क्यों कांपने लगी, तुम्हारे हाथ से क्यों तलवार गिर गई। उसने कहा, क्या मोहम्मद साहब, आपको जब मैंने पूछा कि तुम्हारा जान कौन बचा सकता है तो आपने कहा कि हमें अल्लाह ताला बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला हमसे भी ताकतवर होगा, तो मैंने अल्लाह ताला को क्या जवाब दूं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि आखिर वो अल्लाह कितना शक्तिशाली है, वो क्या है। इसलिए मेरे हाथ से तलवार गिर गया और उस शख्सियत हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सुनकर फिर उसने इस्लाम कबूल किया। तो आप बताइए, जब वो शख्सियत वो काफिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आया था, हत्या करने के लिए आया था और उनके हाथ से तलवार गिर गया और जैसे ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को उठाया और कहा, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आतंकी फैलाता और आतंकी को जन्म देता तो वो काफिर उसी दिन ख़त्म हो जाता। लेकिन वो काफिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अखलाक था, उनके अखलाक के वजह से, उनके अच्छी तरीके से बात करने के वजह से वो इस्लाम में दाखिला हुआ, सुभान अल्लाह। और आप कहते हैं कि इस्लाम आतंकी सिखाता है, आप कहते हैं कि इस्लाम आतंकी को जन्म देता है और आप कहते हैं कि नबी 1400 साल पहले आतंकी फैला था, क्या इसी को आतंकी कहते हैं। इसको आतंकी नहीं कहते हैं, सिर्फ इसी आप लोगों के वजह से सारे समाज को बदनाम हो रहा है, सिर्फ आप लोगों के वजह से। और मैं एक हदीस सुनाता हूं आपको। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब ताइफ के मैदान में इस्लाम को प्रचार करने के लिए गया तो उसी टाइम वहां का लोग पागल कहकर मजलूम कहकर उनको पत्थरों से मारा, ऐसे मारा जो हालात बहुत बिगड़ गया, यानी कि सिर से खून पांव तक चला गया और जूता खून से जम गया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम आया और कहा, या मोहम्मद बताओ तुम्हारे ऊपर जितने ये लोग जो इतना अत्याचार किया है, दोनों साइड में पहाड़ है, सिर्फ तुम अपने मुंह से कह दो उनको मैं ये पहाड़ से दबोच के मार दूंगा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं ऐसा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं, आज दीन के बारे में उन लोगों को पता नहीं है, आज इस्लाम के बारे में उन लोगों को पता नहीं है, आज सच्चाई के बारे में उन लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो हमें मारा है। अगर मैं वो ऑर्डर दे दूं कि उसको ख़त्म कर दो, तो अगर वो लोग अगर यहीं से ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ का बेटा बेटी और नहीं होंगे, मतलब मेरा दीन ख़त्म हो जाएगा। तो इतना मारने के वजह से जो सिर से खून आग के पांव तक जम गया, फिर भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी को नुकसान पहुंचाने का ज़रूरत नहीं। क्या आप इसी को आतंकी कहते हैं जो खुद कष्ट किए, खुद दर्द सहे, और आप उस व्यक्ति को आतंकी कह रहे हैं? इसको आतंकी नहीं कहते। आतंकी तो आप लोग हो, आतंकी तुम जैसे लोगों के वजह से हो रहा है। जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक बच्चा मंदिर में पानी पीने के लिए गया तो उस बच्चे को मारा पीटा और फिर वीडियो ने वायरल कर दिया कि ये बच्चा, ये शख्सियत पानी पीने के लिए आया था इसलिए मारा। और भी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में थे और मस्जिद में एक बंदा आया और पेशाब कर दिया। जो हम लोग मस्जिद को पवित्र स्थान मानते हैं, यानी कि इबादत करने का जगह मानते हैं, यानी अल्लाह का इबादत हम लोग करते हैं, वहाँ जाके वो बंदा पेशाब कर दिया। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने कहा कि या रसूलल्लाह आप ऑर्डर दे दो, मैं इनको इनका सिर से गर्दन ख़त्म कर दूंगा। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जरूरत नहीं है, वो नहीं जानते हैं इसलिए पेशाब किया है। तो क्या आप इसी को आतंकी कहते हैं? जो मस्जिद में, जो हम जिसे अल्लाह ताला का इबादत करते हैं, जो हम अल्लाह ताला का इबादत बंदगी करते हैं, जहां हम मस्जिद को पवित्र स्थान मानते हैं, और उसी मस्जिद में अगर कोई पेशाब कर दिया, फिर भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जरूरत नहीं है। और एक बंदा पानी पीने के लिए गया और आप बेरहमी से उस बच्चे को मारा, आप बेरहमी से मारा, और आप कहते हैं कि इस्लाम आतंकी सिखाता है। नबी 1400 साल पहले आतंकी का जन्म दिया था, और आतंकी हर इंसान को, यानी इस्लाम में आतंकी ही आतंकी है। जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पेशाब करने के बाद भी उस शख्सियत को माफ कर दिया, और तुम सिर्फ पानी पीने के लिए गया फिर भी तुम उसको मारा, तो आतंकी किसको कहते हैं? आतंकी कहने से पहले खुद को सोचो, अरे तुमको जिसने पैदा किया है उसको एक बार याद कर लो,
उसको याद एक बार कर लो कि मुझे भी किसी ने पैदा किया है और फिर हमको भी उसी के पास लौट के जाना है। ये जिंदगी में कोई अमर बन के नहीं रहा, तुम तो छोटा सा एक मच्छर के तरह हो जो इस दुनिया में इस्लाम के ऊपर बड़े बड़े हमले किए हैं, जो इस्लाम के ऊपर अत्याचार किए हैं, वो लोग भी इस दुनिया में और नहीं हैं, तुम भी नहीं रहोगे, तुम भी नहीं रहोगे। अभी भी टाइम है, जिसने तुमको बनाया, जिसने तुमको पैदा किया, उससे डरो, उससे डरो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम एक दिन, जो लोग इस्लाम के ऊपर अत्याचार किए थे ठीक उसी तरह तुम्हारा भी एक दिन उसी हालात होगा। आतंकी बोलने से पहले आतंकी किसे कहते हैं और आतंकी कौन फैलाता है इसके बारे में जान लो। आतंकी क्या है, आतंकी कैसे होता है, आतंकी का जड़ हो तुम लोग। हमारे यहाँ हम लोग एक समाज में रहते हैं, हिंदू मुसलमान, आज तक किसी ने विवाद नहीं हुआ है, सिर्फ तुम लोगों के वजह से विवाद हो जाता, सिर्फ तुम लोगों के वजह से। हमारे यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, हम लोग एक ही गांव में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितेंद्र नारायण त्यागी साहब, मैं आपको कहता हूं, भलाई आप जिस धर्म में जाए वो आपका मैटर है, भलाई आप जिस धर्म में जाए वो आपका मैटर है, लेकिन किसी को दोषी नहीं करना है, किसी को दोषी नहीं करना है, और दोषी करना है तो आप पूरा सबूत लेके दोषी करना है, तुम्हारा मन मनी सबूत नहीं चलेगा। तुमने कहा था कि तुम जिसको इस्लाम धर्म मानते हो, मैंने उसको कभी माना ही नहीं, मैंने उसको कभी माना ही नहीं। अरे आओ मैं तुमको दावत देता हूं कि इस्लाम में एक बार दाखिला करके देखो, तुमको कैसे शांति का माहौल दिखाता है। अरे हमारे नबी के अखलाक में एक बार दाखिल हो, हमारे नबी कैसे अखलाक थे उसके बारे में जानो, फिर किसी को आतंकी कहना। इस्लाम एक शांति का नाम है और हर धर्म का लोग चाहते हैं शांति। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह इस बात को हर इंसान को समझने की तौफीक दे और इस दुनिया में जितना दिन रहे 5 वक्त की सलात यानी नमाज को पढ़ने की तौफीक दे, और इस वीडियो को जितना लोग देख रहे हैं सबको, सारे जितना ग्रुप है सबको शेयर करो, ताकि ये वीडियो वासिम रिजवी साहब यानी जितेंद्र नारायण त्यागी साहब के पास पहुंचे और इस वीडियो को देखे और फिर कहे कि इस्लाम क्या है। इस्लाम में आप एक बार दाखिला होके देखो और कुरान के बाद मान के देखो, तुम्हारे दिल में कितना शांति का माहौल, कितना शांति का पैगाम देता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।